निंग निंग डिंग डिंग डिंग, दिशाओं का ज्ञान। हेलो बच्चों, आज हम दिशाओं के बारे में जानेंगे। एक बार पब्ली ने तबली से पूछा, क्या तुम बता सकती हो पूर्व दिशा किस ओर है? तबली ने कहा, हाँ मैं बता सकती हूँ कि पूर्व दिशा किस ओर है। पूर्व दिशा जहाँ से सूरज निकलता है, उस दिशा में पूर्व दिशा होती है। आओ बच्चों मेरे साथ बोलो, सूरज उगा पूर्व दिशा, सूरज उगा पूर्व दिशा। अब हम बात करेंगे उत्तर दिशा के बारे में। उत्तर दिशा, जब आप सूरज की तरफ चेहरा करके खड़े होते हो, तब आपके बाईजे हाथ यानी कि उल्टे हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। अब आप भी बोलो, उल्टा हाथ उत्तर दिशा, उल्टा हाथ उत्तर दिशा, उल्टा हाथ उत्तर दिशा। अब हम बात करेंगे दक्षिण दिशा के बारे में। जब आप अपने सूरज की तरफ जब आप अपनी सूरज की तरफ चेहरा करके खड़े होते हो, तब आपके दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ की तरफ दक्षिण दिशा होती है। आओ बच्चों मेरे साथ बोलो, सीधा हाथ दक्षिण दिशा, सीधा हाथ दक्षिण दिशा, सीधा हाथ दक्षिण दिशा। अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा के बारे में। पश्चिम दिशा, जिस दिशा में सूरज छिपता है, उस दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। सूरज छिपा पश्चिम दिशा, सूरज छिपा पश्चिम दिशा। अब आपको पता चला दिशाओं के बारे में, तो टबली यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि जब हम अपनी किताब में मानचित्र देखते हैं, तब दिशाओं को इस प्रकार जाना जाता है, क्योंकि मानचित्र में पेज जो है वो आपका लेटा हुआ होता है। तो जब हम खड़े हुए तीर को देखेंगे तो वो उत्तर दिशा, यानी कि किताब के मानचित्र में ऊपर की तरफ उत्तर दिशा होती है, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा होती है, उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम दिशा और सीधे हाथ की तरफ पूर्व दिशा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, बाय।